हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूँ कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास, हम यहाँ पर प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें हमारा एम था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावर। आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, आपको फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको स्टडी करना था। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें आपने फ्लावर के, फूल के अलग अलग कैरेक्टर देखे, आपने अलग अलग पार्ट्स देखे, इसमें आपने क्या किया, फिर एग्जाम्पल देखे। कुछ एग्जाम्पल आपके पास आए थे, जैसे कि आपके पास पिटूनिया एग्जाम्पल आया था। आपने यहाँ पर फ्लावर को देखा, किस प्रकार का फ्लावर होता है, फ्लावर के पार्ट्स आपने यहाँ पर स्टडी किए। नेक्स्ट आपने स्वीट पी, आपके पास एग्जाम्पल आया है इस प्रकार से। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल आपके पास आया है वो है एस्पर गेस। लास्ट आपके पास जो प्लांट आया था वो था अनियन। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या किए हैं, चार फ्लावर के एग्जाम्पल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, वीडियो और एनिमेशन के माध्यम से जानेंगे कि इनके फीचर्स किस प्रकार से होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो थ्योरी हम पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले हम वीडियो और एनिमेशन को यहाँ पर स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एनिमेशन वाला पोर्शन। प्रोसीजर में अगर आप देखेंगे तो आपको जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो इस प्रकार से, आपको चार प्रकार के प्लांट्स लेने हैं, जिसमें आपके पास पिटूनिया आया है, लेथरस आया है, एस्परजस आया है, अनियन आया है। ठीक है, उसके बाद माइक्रोस्कोप आप लेंगे, ग्लास स्लाइड हो गई है, ब्लेड हो गया है, ब्रश हो गया है, फॉर्सेप है, कवर स्लिप आपके पास है और नीडल है। ठीक है, ये आपके क्या है, मटेरियल है। आपके पास प्रोसीजर अलग अलग आता है, रियल लैब प्रोसीजर, जिसे आप वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार से आपने क्या क्या प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो किया है। सिमुलेटर प्रोसीजर आपके पास आता है, इसमें आप क्या करेंगे, सिमुलेटर में जानेंगे क्या क्या चीजें आपने यहाँ पर की हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावर्स, आपका एम क्या है, आपको क्या स्टडी करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावर, यानी कि फूलों के जो गुण आपके पास आए हैं, फूलों के अलग अलग गुणधर्मों को आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टडी करना है। सोलनेसी सबसे पहले आपके पास आए हैं सोलेनेसी फैमिली, तो आप देखिए materials required, petunia. चलिए अब आप देखिए कि क्या क्या मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है। यहाँ पे जो फ्लावर आप ले रहे हैं वो है पेटोनिया। ठीक है, इसके साथ क्या क्या मटेरियल आपको चाहिए, यानी कि सबसे पहले आप पेटोनिया फ्लावर को स्टडी करेंगे, देखेंगे कौन कौन सा मटेरियल आपको चाहिए वहां पर और किस प्रकार से आप यूज कर रहे हैं। जब प्रोसीजर आपके पास आएगा तब आप वहां पर देखेंगे। Last slide. Slit. Glass containing water, forceps, brush, needle, blade, and dissection microscope. Procedure. चलिए यहाँ से आपका प्रोसीजर स्टार्ट होता है। ध्यान से देखिए आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर फॉलो करनी है। Petunia flower. Petunia is a genus of a flowering plant that comes under the family Solanaceae. फैमिली कौन सी है? सोलेनेसी आपको बताई गई है, एंजियोस्पर्म का फ्लावर है। ठीक है, क्लास इसके है डाइकॉटिलेडॉन। डाइकॉटिलेडॉन का क्या मतलब है, दो कॉटिलेडॉन यहाँ पर पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये आपको बेसिक सी चीजें हैं जो ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट आप देखिए। Observe that petals of petunia are united, so it is a gametophytous flower. पेटल्स कैसे हैं, इसके यूनाइटेड हैं, तो गैमोपेटलस कहा है। गैमोपेटलस किसे कहा था, जब पेटल्स यूनाइटेड होते हैं। ठीक है, यूनाइटेड आपको दिख रहे हैं यहाँ पे पेटल्स, तो गैमोपेटलस इसे कहा गया है। ठीक है, sepals are also united and become gamosepals. तो यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि पेटल्स भी यूनाइटेड हैं, जिसे आप गैमोपेटलस कह रहे हैं, जो आपके सेपल्स हैं सेपल्स भी यूनाइटेड है, जिसे आप गैमोसेपल्स कह रहे हैं। ठीक है, दोनों ही क्या है यहाँ पे, गैमोपेटलस कंडीशन है और गैमोसेपल्स कंडीशन आपके पास आई है। Let's see the cross section of a petunia flower. You can see that the petunia flower can be divided into two halves through any vertical plane, so it is an actinomorphic flower. देखिए
अब कहा जा रहा है कि किसी भी प्लेन से आप अगर पेटोनिया फ्लावर को कट करते हैं तो आपको टू इक्वल हाफ्स मिल रहे हैं। तो कैसा प्लांट है? एक्टिनोमॉर्फिक है। कैसा है? एक्टिनोमॉर्फिक है। सिमेट्री की बात हो रही है, ठीक है, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। फ्लावर में आप एक्टिनोमॉर्फिक कह रहे हैं, और यही बात अगर आपको कहा जाए किंगडम एनिमेलिया में, आप कहेंगे रेडियल सिमेट्री से हम कहते हैं, ठीक है। तो प्लांट के बारे में आपने क्या कहा कि आप किसी भी प्लेन से कट करें, आपने इस प्रकार से कट किया, आपने इस प्रकार से कट किया, आपको इक्वल हाफ मिलते हैं, तो एक्टिनोमॉर्फिक प्लांट यहाँ पर है। इसी के साथ आपको अलग अलग पार्ट्स दिखाए गए हैं, जैसे कि पेडिसल है ये इस प्रकार से, जिस ये वो डंडी है जिससे कि फ्लावर क्या होगा स्टेम से जुड़ा होगा, सेपल है पेटल से। अब आपने जब फ्लावर को कट किया तो आपको दो और यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखे हैं जिसे आप पिस्टिल और स्टेमेन कहते हैं, ठीक है, एंड्रोशियम और गायनोशियम जिसे आप कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कितने पार्ट का होता है, आपने स्टेमेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, पिस्टिल को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, ये आप ध्यान दीजिए। अब आप देख रहे हैं, कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये वाला पोर्शन आप हटा दीजिए, आप इस वाले पोर्शन, सबसे पहले आपने कहा स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, ये तीन पार्ट आपके पास आते हैं किसके, आपने कहा कि यहाँ पर जो पिस्टिल है उसके पार्ट आते हैं, ठीक है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इस फ्लावर का, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपके पास आता है स्टेमेन, इस प्रकार से जो आपको धागे नुमा संरचना यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए अब ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स दिखाए गए हैं, बहुत अच्छे से दिखाए गए हैं। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है, आपको बताया ये है आपकी पिस्टिल, ये है आपके स्टेमेन, ये है आपका सेपल, और ये है आपकी पेटल्स, ठीक है, नाम बता दिए गए हैं अलग अलग पार्ट के। अब आपको ऑब्जर्व करना है, सबसे ज्यादा आपको पिस्टिल और स्टेमेन को ऑब्जर्व करना है। दो पार्ट पाए जाते हैं यहाँ पर स्टेमेन में, तीन पार्ट पाए जाते हैं पिस्टिल में, आपने कहा स्टेमेन के दो पार्ट कौन से हैं, ऊपर है एंथर जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा है, नीचे है जो आपको लाइट येलो कलर में दिखाई गया है, धागिनुमा संरचना है वो है फिलामेंट, जिसे पराकोश और पुंतंतु आप कहते हैं। ये है आपकी पिस्टिल, इसमें आपने कहा ये है स्टिग्मा, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये है स्टाइल, और ये जो नीचे उभरा हुआ भाग है इसे आप कहते हैं ओवरी। इतनी बात क्लियर है? अब आप ऑब्जर्व कीजिए क्या क्या चीजें आपको बताई जा रही हैं। आप ओवरी को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो देखिए ओवरी को, इसी प्रकार से आप क्या करेंगे ओवरी को, सबसे पहले तो आपने क्या किया स्टिग्मा स्टाइल वाला पोर्शन हटा दिया ऊपर से, अब आप ब्लेड से क्या करेंगे जितना बारीक आपके पास आएगा उसी उतने ही बारीक सेक्शन आप यहाँ पर काटेंगे, ठीक है, जैसे आपको ब्लेड में दिख रहा है बहुत बारीक सेक्शन आपको दिख रहा है, तो जितना बारीक हो सके आप उतना काटेंगे बिना डिस्टरबेंस के, ठीक है। अब आपने क्या किया, जब आपने ओवरी के सेक्शन को काटा तो आपने पेट्री डिश में उन्हें डाल दिया है जिसमें ऑलरेडी क्या था, पानी था, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आप सिर्फ आपने एक सेक्शन लेके नहीं आए थे, अब आपने बहुत सारे सेक्शन काटे, अब आप देखेंगे सबसे थीन कौन सा है, सबसे बारीक सबसे महीन कौन सा है, आपने उसे ही लेना है, क्योंकि जो जितना थीन होगा उतनी ही क्लियरली आपको दिखाई देगा ओवरी का जो स्ट्रक्चर वहां पर है। आपने क्या किया, जो सबसे थिनेस्ट सेक्शन था उसे आपने ग्लास स्लाइड में रख लिया है यहाँ पर। चलिए ऊपर से आपने क्या रख दी है, कवर स्लिप रख ली है, इतनी बात आप समझते हैं क्योंकि आप काफी सारे प्रैक्टिकल्स को कर चुके हैं यहाँ पर। Observe the section under the microscope. You can observe that there are two chambers in the ovary, so the petunia has a bilocular. देखिए
आपको इस प्रकार की ओवरी दिखाई दी, ये है इस प्रकार की ओवरी, ये है आपको ओव्यूल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं यहाँ पर कैसे है बायलोक्युलर ओवरी आपको दिखाई दिया, कल आपने टाइप्स ऑफ ओवरी पढ़े थे, ठीक है, तो उसी में आपको यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट फैमिली आपके पास आई है फैबेसी, सोलेनेसी आपने यहाँ पे डिस्कस की है, नेक्स्ट फैमिली है फैबेसी। देखते हैं क्या एग्जांपल आपके पास यहाँ पे आया है, किस प्रकार की ओवरी आपने यहाँ पर देखी है। चलिए आपके पास जो एग्जांपल आया है वो है स्वीट पी, ठीक है। इसके अलावा जो जो मटेरियल आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं उसे आप ध्यान से देखिए, क्या क्या यूज कर रहे हैं, किस प्रकार से आपका प्रोसीजर है वो आप ध्यान से देखिए। चलिए तो मटेरियल आपका ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ आपका फ्लावर चेंज हो गया है, किस फ्लावर पे आप क्या कर रहे हैं स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। प्रोसीजर स्वीट पी फ्लावर, स्वीट पी इज अ जेनस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स दैट कम्स अंडर द फैमिली फैबेसी। ये है क्लासिफिकेशन किसका, स्वीट पी का, ठीक है। एंजियोस्पर्म है, डाइकोटिलेडॉन है, आप जानते हैं डाइकोटिलेडॉन होगा, फैमिली है फैबेसी, ठीक है। जीनस इसका लिथायरस। लेट्स सी द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ स्वीट पी फ्लावर, वी विल सी दैट द फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स ओनली अलोंग वन वर्टिकल प्लेन, सो इट इज। चलिए अब आपको कहा गया है ये है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। जब आपने सोलेनेसी में एग्जांपल देखा था पिटूनिया का, आपने कहा था कि इस फ्लावर को आप किसी भी प्लेन से कट कीजिए आपको टू इक्वल हाफ मिलेंगे, लेकिन जब आपने बात की यहाँ पर स्वीट पी की तो आपने कहा कि सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन है जहां से आप कट करेंगे तो आपको दो इक्वल पार्ट मिलेंगे। इस प्रकार के प्लांट को आपने क्या कहा था, जाइगोमॉर्फिक कहा था, ठीक है, ध्यान रखिए जाइगोमॉर्फिक आपने कहा था। अब आपने क्या किया यहाँ पर, अगर आपने सेक्शन कट करके देखा तो आपको क्या क्या पार्ट यहाँ पर मिले हैं देखिए ध्यान से। A sweet pea flower has a large standard petal, two wing petals, and two main petals. Inside the flower, we can see the stamens, the main reproductive organ, and carpel, the female reproductive organ. Let's take account of the world's sweet pea flower. You can observe that. Chilly. अब आपको यहाँ पर क्या दिखाए गए हैं, अलग अलग पार्ट्स दिखाए गए हैं पेटल्स के, आपको पेटल्स के पार्ट्स दिखाए गए हैं, प्लस आपको दिखाई गया अलग अलग क्या है यहाँ पे शेप दिखाई दे रही है पेटल्स की, ठीक है। क्या क्या शेप है देखिए आप, अब आपको कहा गया है पेटल्स का नंबर कितना है, फाइव है, सेपल्स का नंबर कितना है, फाइव है, स्टेमेन का नंबर है यहाँ पर टेन। चलिए अब ये जो पार्ट आपको दिखाया गया है, ये आपको दिखाया गया है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इस फ्लावर का, क्या है यहाँ पर आपको पिस्टिल बताई गई है, सबसे अपर मोस्ट पार्ट स्टिग्मा है, देन स्टाइल आएगी, देन ओवरी यहाँ पर आएगी। चलिए सेम आप क्या करेंगे यहाँ पर, क्रॉस सेक्शन लेंगे ओवरी का और उसे आप एनालाइज करेंगे कि किस प्रकार से आपने ओवरी को, जब आप पिटूनिया के फ्लावर को स्टडी कर रहे थे तो उसकी ओवरी किस प्रकार की थी, जब आप स्वीट पी की ओवरी को देखेंगे तो इसकी ओवरी किस प्रकार की है, ध्यान दीजिए आप लोग। Transfer the sections into a petri dish containing water. Using a brush, select a clean, uniform, and complete section and place it on a glass slide.
Place a flower slip gently on its section with the aid of a needle. देखिए सेम प्रोसीजर है जो आपने अभी फॉलो किया है, सेम ही प्रोसीजर आप देख रहे हैं. Observe the section under the microscope. We can observe that there is one chamber in it. It is unilocular ovary. कैसी है यूनिलॉक्युलर ओवरी है आपके पास. ठीक है, ओव्यूल आपको सिर्फ ये दिखाई दिया है. ठीक है, प्लेसेंटा आपका ये है. समझ रहे हैं आप लोग क्या डिफरेंस था वहां पे. आपने कहा कि वहां पे क्या था, यूनिलॉक्युलर ओवरी आपको सिर्फ यहाँ पर दिखाई दे रही है. ठीक है, नेक्स्ट फैमिली आपके पास आती है लिलिएसी. देखिए एग्जाम्पल आपके पास क्या आता है. फ्लावर आपके पास एस्पैरिगस आएगा. एग्जाम्पल आप समझ रहे हैं, सबसे पहले आपके पास पेटूनिया आया था, स्वीट पी आया था, और अब आपके पास आया है एस्पैरिगस. ठीक है, मटेरियल सेम यहाँ पर रहेगा, प्रोसीजर यहाँ पर सेम रहेगा. सबसे पहले आप फ्लावर के पार्ट्स को देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, कितनी पेटल्स है, कितनी सेपल्स हैं आप देख रहे हैं. उसके बाद आप ओवरी को देख रहे हैं कि ओवरी किस प्रकार की है. ठीक है, सेम प्रोसीजर है. अब आप ध्यान से देखिए और आप देखिए कि तीनों प्रकार की ओवरी में आपको क्या क्या डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिले हैं. Watch glass containing water, forceps, brush, needle, blade, and dissection microscope. Procedure. Asparagus flower. Asparagus is a genus of the flowering plant that comes under ये क्लासिफिकेशन जब आप देख रहे थे तो आपको डिफरेंस पहले ही पता चल गया. क्या है ये, मोनोकॉटलीडॉन है. ठीक है, मोनोकॉटलीडॉन है, यानी एक ही कॉटलीडॉन यहाँ पर प्रेजेंट होता है. सबसे पहला डिफरेंस आपको यहाँ पर मिल गया है. फ्लावर कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक है. क्या होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, आपको ये पता होने चाहिए. चलिए नेक्स्ट देखिए. ठीक है, ये आपके पास आए हैं फ्लावर के पार्ट. अब ध्यान से देखिए कौन कौन से पार्ट हैं आपके पास यहाँ पर. चलिए कितनी पेटल्स आपको दिखाई दे रही है. सिक्स पेटल्स यहाँ पे हैं, सिक्स स्टेमेन यहाँ पर आपके पास आए हैं. ठीक है, flower has six stamens arranged in two whorls of three each and six stamens. Let's take the cross section of the ovary. Cut the section. आप समझ रहे कौन सा यहाँ पर जो एंड्रोशियम है, कौन सा गाइनोशियम है, ये आपको समझना पड़ेगा. ठीक है, कौन सा मेल पार्ट है, कौन सा फीमेल पार्ट है. ये आपके पास पिस्टिल वाला पोर्शन आ गया है. अब आप क्या करें, ओवरी को यहाँ पर क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे. Place the cover slip gently on the section with the aid of the needle. Observe the section under the microscope. We can observe that there are three chambers in the ovary.
ओवरी कैसे आया आपके पास? ट्राइलोक्युलर आया, क्योंकि तीन चैम्बर आपके पास मिल रहे हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तीन चैम्बर आपके पास है, ठीक है? कैसे है? ट्राइलोक्युलर आपके पास है यहाँ पे है। अब आप स्टडी करेंगे अनियन फ्लावर को। मैंने आपको अभी भी कहा है कि जो प्रोसीजर है वो सेम है। अब आप देखिए, आपको जितनी भी यहाँ पे फ्लावर दिखाए गए हैं उन सबकी ओवरी में आपको क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंस देखना है। You can see the stamens, the male reproductive organ, and carpel, the female reproductive organ that is composed of a style and stigma. The perianth is the non-reproductive part of the flower that consists of the sepals and the petals. Let's take account of each whorl in onion flowers. We can observe that onion flowers have six sepals arranged in two whorls of. चलिए, पेटल्स का नंबर है सिक्स, और आप देखा आपने कुछ देर पहले जब आपने इमेज देखी तो आपने कहा कि दो जो आपके पास वर्ल्स आई हैं, दो जो रिंग आई हैं, दो रिंग में अरेंज होते हैं सिक्स पेटल्स, ठीक है? स्टेमेन का नंबर यहाँ पर सिक्स है, ये आपके पास आया है फीमेल पार्ट फ्लावर का। आगे ध्यान दीजिए आप लोग। ये क्या है? फ्लावर की ओवरी है, ठीक है? The sections of the ovary quickly laid. Transfer the sections into a petri dish containing water. Using a brush, select a thin, uniform and complete section and place it on a glass slide. Place a cover slip gently from the section with the needle. Observe the section under the microscope. We can observe that there are only three chambers in the ovary, so it is a trilocular. ठीक है, ओवरी कैसे? ट्राइलोक्युलर ओवरी यहाँ पर आपको मिली है। चलिए, ये तो बात हुई यहाँ पर एनिमेशन की। अगर बात करें, अगर हम यहाँ पर देखें एनिमेशन सिमुलेटर में, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपके पास दो चीजें यहाँ पर आती हैं। ये आपके पास है पेटूनिया फ्लावर, ठीक है? आपको क्रॉस सेक्शनल व्यू देखना है और काउंट करना है फ्लोरल्स को, ठीक है? पार्ट्स आपको यहाँ पर काउंट करने हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने सिलेक्ट किया फ्लावर को, आपने पेटूनिया फ्लावर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अगर क्रॉस सेक्शनल व्यू आप देखेंगे इस प्रकार से आपके पास आता है, ठीक है? ये पेटल्स आपके पास है, नीचे सेपल्स आपके पास आती है, ये आपकी स्टिग्मा आ गई है जो आपको बीच में दिखाई दे रही है, ये आपके स्टेमेन यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है? इतनी बात क्लियर है। चलिए, अगर आप यहाँ पर फ्लावर के पार्ट्स को काउंट करें, तो आपने कहा सबसे पहले आपके पास क्या आया है? चलिए, ये आपके पास क्या आए हैं? पार्ट्स आए हैं फ्लावर के। कितने पार्ट्स आपके पास आए हैं? आपने कहा ये पेटल्स आपके पास आए हैं, ये आपके पास क्या आए हैं? पूरी पिस्टिल आपके पास आई है जिसके तीन पार्ट आपने देखे हैं, और ये आपके पास स्टेमेन वाला पोर्शन आया है। ये आपके पास जो पोर्शन आया है ये है सेपल्स वाला पोर्शन, ठीक है?
इतनी बात क्लियर है? अलग अलग पोर्शन में आपने क्या किया, आप इसी प्रकार से फ्लावर को क्या करेंगे, जब भी आप फूल को स्टडी करते हैं, देखिए जब भी हम चैप्टर भी पढ़ते हैं, मैंने आपको क्या कहा है, अगर आपको फ्लावर को स्टडी करना है, फूल को आपको पढ़ना है, तो आप इसी प्रकार से क्या करेंगे, फूल के अलग अलग भागों को आप स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपने ये वाला पोर्शन अलग किया, फिर ये वाला पोर्शन अलग किया, फिर ये वाला पोर्शन अलग किया, फिर ये वाला पोर्शन आपने क्या किया, अलग किया, ठीक है। चलिए ये तो आपके पास था पिटूनियम। अगर आपके पास आता है लेथेरस ओडोरेटस, यानी कि आपके पास स्वीट पी का अगर आता है, तो आपने क्रॉस सेक्शनल व्यू कुछ इस प्रकार से देखा, ये आपके पैट, ये आपके क्या है, सेपल्स आई हैं, ये आपकी पेटल्स आई हैं, ये बीच वाला जो पोर्शन है ये आया है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, ये आपके पास स्टेमेन आए हैं, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप यहाँ पर फ्लोरल को काउंट करेंगे, अब आपको करना क्या है, देखिए नंबर ऑफ पेटल्स काउंट कीजिए कि नंबर ऑफ पेटल्स आपको कितनी दिखाई दे रही हैं, नंबर ऑफ सेपल्स काउंट कीजिए कि नंबर ऑफ सेपल्स कितने दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। स्टेमेन किस प्रकार से आपके पास आया है, और चलिए ये आपके पास आते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर, आपके पास ये है पेटल्स का नंबर, ये आपके पास सेपल्स आई है, ठीक है। अब आप देखिए किस प्रकार की पेटल्स हैं, ये आपके पास है पिस्टिल का पोर्शन आया है, ये आपके पास पिस्टिल का पोर्शन आया है, ये आपके पास स्टेमेन का पोर्शन आया है, तो आपने क्या करना है, इसी प्रकार से जो फ्लोरल के पार्ट्स हैं उन्हें यहाँ पर क्या करना है, स्टडी करना है। अगर हम एस्परगस को यहाँ पर देखें, तो सबसे पहले क्रॉस सेक्शनल व्यू देखते हैं, जो कि आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आपकी पेटल्स दिखाई दे रही हैं, ये आपका फीमेल पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपका मेल पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आप काउंट करेंगे तो इसी प्रकार से करेंगे, आपको क्या करना है, आपको फॉर्सेप से अलग अलग पार्ट को रिमूव करना है, ठीक है। चलिए ये आपने सारी पेटल्स को यहाँ पर क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया। अब आप देख रहे हैं पेटल्स का नंबर कितना है, कितने रिंग में अरेंज है, ये आपको देखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर स्टेमेन वाला पोर्शन दिखाया गया है। अब आप स्टेमेन को काउंट कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर रिमूव ना भी करें स्टेमेन को, तो आप स्टेमेन को काउंट कर सकते हैं कितने स्टेमेन है। लास्ट में आपके पास आता है ओवरी वाला पोर्शन, जिसे कि अभी आपने एनिमेशन के थ्रू देखा कि किस प्रकार से आपने जब वहां पर स्लाइड प्रिपेयर की थी, आपने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया कि जो ओवरी है वो किस प्रकार की यहाँ पर आती है, ठीक है। चलिए तो इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, फ्लावर को यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। चलिए तो क्लास आज आपने कुछ फ्लावर को यहाँ पर ऑब्जर्व किया, आपने वीडियो के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से आप फ्लावर के कैरेक्टर को अगर आपको देखना है तो कैसे आप करेंगे, कैसे फ्लावर के पार्ट्स को आप आइडेंटिफाई करेंगे। आपने ओवरी को देखा किस प्रकार की ओवरी पाई जाती है अलग अलग फ्लावर में, तो आपको ये सारी चीजें क्या करनी है, रिवाइज करनी है। आप प्रैक्टिकल करेंगे तो थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट आपको सबसे पहले करना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।